ऑनलाइन हब 2022 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कुछ लड़कों को कंफ्यूजन था कि किस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो आज मैं उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही आपको बताने आया हूं। आपका जो डॉक्यूमेंट है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दे रहा हूं, तो ध्यान से आप सुनिएगा, जितना काम मैं बताऊँगा आप उतना करके जाइएगा। जैसे मैं आपका एजुकेशन जो सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो जो सर्टिफिकेट है आपका, ये एजुकेशन सर्टिफिकेट है, इसमें हाई स्कूल इंटर जो लगेंगे, इसमें आपको जो अटेस्टेड का जो कॉपी मांगा गया है आपका, तो अटेस्टेड का जो कॉपी आपको ले जाना है, तो वो चार चार पेज का जो फोटोकॉपी कराकर आपको गैजेट ऑफिसर से आपको उसको वेरीफाई करवाना है। मतलब वहाँ पे साइन मुहर जो भी लगता हो, जैसे वेरीफाई हम लोग पहले कराते थे उस तरीके से ही वहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि चार सेट पे मतलब हाई स्कूल इंटर का जो भी आपका ओरिजिनल मार्कशीट होगा उसका फोटोकॉपी करवाइएगा, उसका चार सेट बनवाइएगा। तो जो हम लोग अब पहले के समय में हम लोग जब फॉर्म अप्लाई करते थे तो एक गजेट ऑफिसर से वेरीफाई करने के लिए बोलता था, तो वहाँ पे सिग्नेचर करवाते थे उन लोग से, तो वही आपको कराने हैं। इनके चार कॉपी कराने हैं, और चार कॉपी कराने के बाद अपने गजेट ऑफिसर से जो आपके आसपास होगा डॉक्टर होंगे उनके द्वारा आप ऑफिसर से साइन करवाएंगे, मोहर लगवाएंगे, आप उनसे वेरीफाई करवाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड उनसे उन्हीं के करवाना है, न कि आप अपने करना है, यहाँ पर मांगा गया है। तो उसके बाद जो EWS सर्टिफिकेट है, OBC है या SC ST का सर्टिफिकेट है, उनका भी चार पेज का फोटोकॉपी करने हैं, उनको भी गजेट ऑफिसर से आपको साइन मोहर जो भी लगता है वहाँ पे अटेस्टेड कराने हैं। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका निवास प्रमाण पत्र जो है उसका चार सेट बनाने हैं, चारों सेटों पे गजेट ऑफिसर का साइन मोहर होना चाहिए, उनसे वेरीफाई कराना है। लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है आपका, जो 6 महीनों के लिए मान्य होता है, हमारे यहाँ तो अभी 1 साल के लिए कर दिया गया है, लेकिन आसाम राइफल में जब भी मांगता है वो 6 महीने के अंदर ही मांगता है, तो आप लोग ने बनवाया है तो इसको आप इसका चार कापी करवा लीजिएगा, इसका भी अटेस्टेड उनसे करवाइएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन मतलब जो ITI से होंगे, डिप्लोमा से होंगे, जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स होगा उनको भी चार कॉपी फ़ोटो कॉपी कराकर, और अपने जो भी ऑफिसर होंगे गजेट ऑफिसर उनसे, उनके द्वारा ही आपको साइन मोहर उनसे ही अटेस्टेड करवाने हैं। 10 कापी फ़ोटो ले जाने हैं आपको, ये जो फोटोग्राफ दिया हुआ है लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, 10 कापी आपके फ़ोटो होने चाहिए, ठीक है। 3 कॉपी जो आपका मांगा गया है, जॉइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ इन नेक्स्ट किन एंड पैरा, मतलब कहने का मतलब जो माता जी हैं आपके, ये माता जी के साथ में आप दोनों लोग खड़े होकर फ़ोटो कैप्चर करवाना है। कैप्चर करवाने के बाद आपको फ़ोटो उनसे भी बनवा लेने हैं। 3 कॉपी मांगा गया है, आप कम से कम 10 ठो आप कॉपी बनवा के रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट समय में आपका हर जगह कहीं ना कहीं काम लगने वाले हैं, तो अपने अगर माता के साथ और अगर पिताजी भी हैं तो उनके साथ भी आप फ़ोटो खिंचवा कर 10 कापी उनके साथ और माता जी के भी साथ फ़ोटो कैप्चर करवा के प्रिंट आउट करवा कर उसका फ़ोटो 10 कॉपी रख लेना है। जब भी यहाँ पे 3 कापी लगेंगे और नेक्स्ट कहीं भी काम लगेगा उनका, तो आप अगर बनवा के रखेंगे तो हमेशा के लिए काम आएगा। एज प्रूफ की बात करें तो माता जी का जो एज प्रूफ मांगा गया है, या फादर का या ब्रदर का एंड सिस्टर का, तो उनको जो एज प्रूफ देना है, तो एज प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, तो जिससे उनको पता लगे कि आपके पिताजी और माताजी का और भाई का और सिस्टर का एज कितना हो रहा है, वो उनको प्रूफ चाहिए, तो वो उनका आप लेकर जाना है, उसका भी फ़ोटो स्टेट करा लेने हैं, उसको भी अटेस्टेड करा कर वहाँ आपको सामने पेश करना है। और आपको बता दूँ कि उसके बाद मांगा गया है पैन, मतलब आपके पास आपका खुद का पैन कार्ड होना चाहिए और आधार नंबर होना चाहिए, वोटर मतलब आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, जिसमें नाम सब पे सेम होना चाहिए, ये नहीं कि पैन पे दूसरा हो आधार पे दूसरा हो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अभी भी करेक्शन करा सकते हैं, आपको मौका है, हमको लगता है कि 7 से 10 दिन में या 5 दिन में आपका करेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। आपको बताऊँ कि जो स्टेट बैंक का अकाउंट मांगा गया है, वो स्टेट बैंक का अकाउंट होना चाहिए, न कि जनधन योजना अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जनधन योजना यहाँ साफ साफ लिखा है, जनधन योजना अकाउंट इज़ नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसका आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड के साथ साथ पासबुक होना चाहिए, पासबुक आपका जो होना चाहिए उस पर SBI कोड मेंशन हो,
वो होना चाहिए जिस पे आपका जो SBI का पासबुक मिलता है उस पे एक फ़ोटो लगा होता है, उस पे मोहर लगी होती है। जिसके पास मोहर नहीं लगा हुआ है वो अभी भी SBI स्टेट बैंक में जाकर अपना मोहर अटेस्टेड करा ले, मतलब मोहर के साथ सिग्नेचर करा ले, जिससे प्रमाणित हो सकता है। और आपको ये बता दिया गया, उसके बाद आपको सब पता ही है, इसमें जिनका 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 भी नाम है वो ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उन अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे। और ज्वाइनिंग लेटर नहीं भी आता है तो अपने 5 सितंबर से पहले पहले आप 2 दिन पहले वहाँ रिपोर्टिंग मतलब दे दीजिएगा। आप वहाँ पे रूम लेके रह लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि आप मतलब 2 दिन पहले जा सकते हैं कि नहीं। उसे अलाउ नहीं करेगा, आप 2 दिन पहले कहीं होटल लेके रुक जाइएगा और उसके बाद आप वहाँ पे 5 सितंबर को आप रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। 5 सितंबर 2022 में आप रिपोर्टिंग वहाँ पे करना ही करना है, तो आपको टाइम से पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। आप रिस्क लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि आप लेट पहुँचेंगे तो उनके वजह से वो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए आप अपने 2 दिन पहले ही यहाँ से निकले। और एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आपको क्या क्या ले कर जाना है वहाँ पे, तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमसे डायरेक्टली आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। कॉल जब करना होगा आप 8 बजे के बाद शाम को कॉल करिएगा। अगर मैसेज करना होगा तो एनी टाइम आप मैसेज कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई 100% आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। और कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया, STOBC डोमिसाइल के बारे में आपको बता दिया, करेक्टर इसके बारे में, टेक्निकल के बारे में बता दिया, 10 कॉपी फ़ोटो के बारे में बता दिया गया आपको, माताजी के साथ जो फ़ोटो चाहिए और एक पिताजी के साथ भी फ़ोटो खिंचवा के आपको रख लेना है। एज प्रूफ की बात करें तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी आपके लगेगा, नाम सेम होना चाहिए, ये मेंशन होना चाहिए, और जो पासबुक लगेगा उस पर फ़ोटो और बैंक बैंक से आपको प्रमाणित होना चाहिए, फ़ोटो सहित मोहर सहित सिग्नेचर के साथ होना चाहिए, और उसमें IFSC कोड मेंशन होना चाहिए। तो फिर से आपको मैं बता दूं कि IFSC कोड मेंशन होना चाहिए और जनधन योजना अकाउंट मतलब वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ आपको देना था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।